हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान जेई की। जानते हो आप, राजस्थान जेई की वैकेंसी फाइनली अब आ चुकी है और ये वैकेंसी लगभग 16 फरवरी को ही आ चुकी थी। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि शायद इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाए। अभी फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके अनुसार लगभग 1054 पोस्ट 1054 पोस्ट पर जूनियर इंजीनियर प्लस जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री का सेपरेट पोस्ट बताया गया है। लगभग 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। PWD हो गया और PHE और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर ये पूरी वैकेंसी आई हुई है। क्लियर। अब इसमें डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है, सब आप लोगों ने पहले वीडियो पे देख रखा होगा। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कैसे आप इसको क्वालिफाई करने वाले हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और इस वीडियो के लास्ट में आपको इस वीडियो के दौरान ही मैं आपको कुछ ऐसे 6 स्टेप सक्सेस फार्मूला बताऊंगा, जिसे आप यूज करके निश्चित ही से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। क्लियर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले तो कि जो इसमें अलग अलग विभाग के लिए वैकेंसीज हैं, जैसे कि सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ओके, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इसमें सिविल इंजीनियर्स की ही है। इसमें डिग्री के लिए लगभग 550 पोस्ट के आसपास हैं डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने बीटेक कर रखा है, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए सेपरेट वैकेंसी भी निकाली गई है लगभग 475 पोस्ट के आसपास। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए थोड़ी सी दुख की बात है, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लगभग 40 पोस्ट है, जिसमें 33 पोस्ट पर डिग्री वाले स्टूडेंट्स आवेदन कर पाएंगे और बाकी बचे 7 पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लगभग बहुत ही कम पोस्ट है, 6 पोस्ट है, जिसमें 4 पोस्ट डिग्री वालों के लिए और 2 पोस्ट है डिप्लोमा वालों के लिए। तो ये पूरी जानकारी है। और जो क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहे होंगे, क्या इसमें फाइनल ईयर वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, या कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते कि नहीं भर सकते, दोनों क्वेश्चन का आंसर ये है कि दोस्त अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, तो इसमें ये बात क्लियरली मेंशन नहीं है की गई है कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं कि नहीं। हमें इन्हें वेट करना होगा डिटेल नोटिफिकेशन तक का। फिलहाल अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अदर स्टेट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप भर सकते हो। ये पूरी इंडिया लेवल पर ओपन वैकेंसी है, तो आप किसी भी राज्य से अगर बिलोंग करते हैं तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये पूरी आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। मैं इसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की को बताना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये, है ना, एक गोल्डन चांस है। क्योंकि अगर इस बार आप जॉब नहीं ले पाए तो फिर दोस्तों पता नहीं अब वैकेंसी कब आने वाली है, स्पेशली जो राजस्थान के और उससे आसपास के स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे 6 स्टेप्स फार्मूले बताऊंगा, जिससे आप डेफिनेटली 100% इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले यार, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, चाहे आप डिग्री में हो, चाहे डिप्लोमा में हो, चाहे फाइनल ईयर में हो, क्योंकि फाइनल ईयर भी क्लियर नहीं भर सकता है कि नहीं भर सकता है, उनके लिए अभी तक का जो राजस्थान का पैटर्न रहा है उसके हिसाब से जो सिलेबस है, तो डिग्री वालों में लगभग 11 टेक्निकल के सब्जेक्ट और पूछे जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, 11 सब्जेक्ट्स टेक्निकल से पूछे जाते हैं, जिसमें जो 80 मार्क्स का होता है और बाकी जो 40 नंबर हैं आपके वो होते हैं नॉन टेक्निकल से, या जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जो स्पेशली राजस्थान से रिलेटेड होता है, राजस्थान के जीके के बारे में होता है। क्लियर। मतलब 120 नंबर का पेपर होता रहा है अभी तक, और 120 मिनट ही टाइम मिलेगा आपको अगर वही पैटर्न दोबारा चलता रहा तो। डिप्लोमा वालों में भी सेम केस, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 80 नंबर का टेक्निकल और 40 नंबर का नॉन टेक्निकल। अंतर सिर्फ इतना है कि आपके जो टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ कम कर दिए गए हैं, वो लगभग 7 सब्जेक्ट के आसपास हैं, जिनको आप प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन पर देख सकते हो। ऐसे हम आशा कर रहे हैं कि अभी जो सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि अब चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो पेपर होते थे वो सारे ऑफलाइन मोड पर होते थे, OMR सीट पर होते रहे हैं। तो इस बार ऐसे आशा की जरिए, क्योंकि अब ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है तो ऑनलाइन पेपर हो सकता है, तो जिससे सिलेबस चेंज होने का भी की भी संभावना है, तो हमको वेट करना होगा डिटेल नोटिफिकेशन का। इसके बाद मैं आपको फिर एक वीडियो बना के बता दूंगा। ओके, तो अच्छा अभी स्टार्ट करते हैं अपन कि भाई आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हो, क्योंकि अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो भी टेक्निकल तो आपका रहेगा ही रहेगा, जीके वाला पोर्शन तो आएगा ही आएगा। ओके, तो अब इसके अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन सिर्फ टेक्निकल की, उसके अंदर आपको कौन कौन से कैसे स्टेप्स करके चलने वाले हैं। कुछ ऐसे 6 स्टेप फार्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि IITN बीचन सर ने बताया हुआ है, तो उसी को मैं यहाँ पर आपको रिपीट करने वाला हूँ, कम टाइम पर ज़्यादा चीज़ें आपको देने वाला हूँ। ओके, तो आप सबसे पहले तो अपनी कॉपी पेन निकाल लो और भूल मत जाना, एक तरफ से स्टेप स्टेप बाई स्टेप लिखते जाना। तो पहला आपका क्या है, सबसे पहले कि यदि आपने इससे पहले कहीं कोचिंग कर रखी है, ठीक है, या आपने खुद से सेल्फ स्टडी कर रखी है, तो उसके जो डिटेल्ड नोट्स हैं, जो डिटेल्ड नोट्स हैं आपको उनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, जिससे आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि जो आपका 80 नंबर का टेक्निकल है वो एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, या न्यूमेरिकल भी आएंगे तो एक एक नंबर के जो
मतलब फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल वही आएंगे, कोई लेंथी क्वेश्चन तो आएगा नहीं एक नंबर पे, है ना, क्योंकि जनरली कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं रहता, तो लेंथी क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल नहीं। तो आपकी इसमें थ्योरेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी पास अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। आप जो राजस्थान जेई का फॉर्म है वो 4 मार्च से फिलअप कर पाओगे अगले महीने के 3 अप्रैल तक, तो आपके पास अभी बहुत कुछ टाइम है। और इसके बाद फॉर्म फिलअप के बाद भी आपको एटलीस्ट 3 महीने का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर 3 महीने वो और 1 महीने और 15 दिन जोड़ दें, लगभग 4.5 महीने का टाइम आपको मिल जाता है तैयारी करने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अभी अगर आपने कोचिंग अभी तक नहीं करी है या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो सबसे पहले तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो आसपास, क्योंकि दोस्त ये एक गोल्डन मौका है, अगर इस बार आपने छोड़ा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। ओके, तो इस बार तो सबसे पहले आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, और उसके आप कोचिंग कौन सा सेलेक्ट करना है वो अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हो, चेक कर लो। ओके, तो सबसे पहले आपको उस कोचिंग के बहुत अच्छे तरह से डिटेल्ड नोट्स उसके पढ़िए, ठीक है, डिटेल्ड नोट्स बनाइए, अच्छे से सारे थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करिए सिलेबस के अनुसार। अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा का सिलेबस, और अगर डिग्री वाले हों तो डिग्री का सिलेबस आप कवर करें। इसके बाद ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, इसको नोट कर लीजिए, पहले डिटेल्ड नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद अब नोट्स को पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, उस जो थ्योरी आपने पढ़ी उसको अप्लाई करना सीखना आपको है, अप्लाई करना सीखना है। अब चूंकि आप राजस्थान जेई का पेपर दे रहे हो तो उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो आज तक जितने भी राजस्थान जेई के पेपर हुए हैं, जितने भी राजस्थान के जेई के पेपर हैं, उनके प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, जितने भी राजस्थान जेई के प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे वो आपको कहाँ मिलेगा, तो फिलहाल अभी इतनी मेहनत तो आपको कई सारी इसकी बुक्स भी मिल जाएंगी, पर फिलहाल आपको बता देता हूँ जहाँ से आपको कंटेंट फिक्स मिल जाएगा, इंजीनियर्स प्राइड जो इंस्टीट्यूट है उसने सिविल इंजीनियरिंग के लिए मेहनत करी हुई है। तो अभी जो उनका एक बुक्स आने वाली है स्पेशली राजस्थान जेई के बच्चों के लिए जो प्रीवियस ईयर है उसके लिए रिकॉर्डिंग एक बुक लेकर के आ रहे हैं, अभी वो पब्लिश नहीं हुई है। अगर आपको अभी ये कंटेंट चाहिए अभी आप, क्योंकि आप लेट एक दिन एक भी दिन नहीं कर सकते, अभी आज से आपको पता चला तो आज से आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आज से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो और साथ साथ आप जेई के क्वेश्चन भी लगाना चाहते हो, तो आप अभी जा सकते हो प्ले स्टोर पर, इंजीनियर्स प्राइड का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से 10 रुपये का पेमेंट करके वो PDF ले सकते हो आज तक की जितनी भी राजस्थान जेई की प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी, और वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ दिनों के बाद ये बुक अमेजॉन पर अवेलेबल हो जाएगी, फिर मैं आप वहाँ से उसे परचेज कर पाओगे। तो ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, पहले आप कहोगे बुक आपको डिटेल में पढ़नी है, ये आपके नोट्स आपको डिटेल में पढ़ने, दूसरे आपको आपकी जो दूसरे आपके क्या है राजस्थान जे के सारे क्वेश्चन करने, मिलेगा कहाँ से, अभी आपको ऐप में उसकी PDF मिल जाएगी, कुछ दिनों के बाद आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर डायरेक्ट बुक मिल जाएगी। क्लियर, ये हो गया आपके 2 स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि जो आसपास के स्टेट्स हैं, जो आपके JEE के एग्जाम, JEE के एग्जाम कराते रहते हैं, उनमें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग 2 बुक्स आती हैं, यूथ कंपटीशन की, यूथ कंपटीशन टाइम की, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है, दोनों बुक आपको अमेजॉन पर मिल जाएगी। उसकी कई सारी डुप्लीकेट कॉपीज भी आती हैं, ओरिजिनल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वहीं से जाइए और इसे परचेज कर लीजिए। तो वहां से आपको क्या है कि एक अच्छा क्वेश्चन का आपको कलेक्शन मिल जाएगा, और जैसे स्टेट जेई आपके क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आपके एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा, और वहाँ से आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, तो ये आपके हो गए तीसरा स्टेप, यूथ कंपटीशन की बुक आपको प्रैक्टिस करनी है, दोनों वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तीसरा स्टेप है आपका, अगर आपने इतना कर लिया इसके बाद आपको SSC JEE की प्रीवियस ईयर लगाने हैं। SSC JEE आपने आज तक जितने भी पेपर लिए हैं, लगभग 35 पेपर हो चुके हैं 2004 से लेकर के अभी 2019-20 तक, तो इस पेपर का जो सबसे बेस्ट कलेक्शन है वो IES मास्टर की बुक, जो अभी नया सेकेंड एडिशन आया हुआ है 2020 को, उसके अंदर सबसे बेस्ट कलेक्शन है और बेस्ट तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आपको उसे परचेज करनी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वहाँ से जाइए डायरेक्ट अमेजॉन से परचेज कर लीजिए। ओके, ये हो गई आपकी 4th स्ट्रेटजी। 5th स्टेप में आप क्या कर सकते हो, 5th स्टेप इतना करने के बाद आपको अब क्या करना है कि भाई कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ उटपटांग तरीके से आ जाते हैं, उनके लिए भी आपको तैयार रहना। दोस्त देखो क्या है ना, जो गोल्डन चांस मिला आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको लेके जाना है इस बार वैकेंसी, तो आपको सबसे अलग करना पड़ेगा, ये स्टेप तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने तो सारे कर रहे हैं भाई, टेक्निकल में आपको पीछे छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, सबने पढ़ रखा है इससे पहले, सबने राजस्थान जेई राजस्थान ए के लिए पढ़ रखा है इससे पहले, वो सबने SSC JEE के मेंस दे रखा है इससे पहले, और लोगों ने जैसे रेलवे भी दे रखा है, रेलवे जेई का, तो टेक्निकल सबसे आता है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे और इतने आपको करने ही करने पड़ेंगे। तो आपको SSC JEE का प्रीवियस ईयर लगाना है, कहाँ से लगाना है, IES मास्टर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, इसके बाद अगली चीज़ है आपकी गुप्तेन गुप्ता, अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसके बाद आप गुप्तेन गुप्ता लगाइए, गुप्तेन गुप्ता एक बुक आती है, ठीक है, थोड़ा सी इधर है उसके अंदर, बट आप इरर को थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा आपको खुद, क्योंकि जब इतने सारे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी चीज़ें सही है कौन सी गलत है, तो आप उसको वहाँ से सॉर्ट आउट ऑलरेडी कर सकते हो। तो गुप्तेन गुप्ता आपको बुक परचेज करनी है, लिंक उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो वहाँ से आप जाकर के बुक गुप्तेन गुप्ता को परचेज कर लीजिए। इसके बाद जो अगला स्टेप है आपका,
गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर जो इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका है सिक्स स्टेप, जो मैंने बताया था ना सिक्स स्टेप सक्सेस फार्मूला, ये आपका है सिक्स स्टेप। पेपर पेन निकाल के नोट करते रहना दोस्त, ठीक है, भूल मत जाना कोई स्टेप, क्योंकि ये गलती ना आपको बड़ी भारी पड़ेगी, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई और पता नहीं कब आएगी अब, तो इस बार ही आपको लेके जाना है। ठीक है, जान लगा दो बट जाने मत देना। ओके, तो सिक्स स्टेप में आपको एससी और गेट की प्रीवियस ईयर लगाने हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कौन सा इजी है कौन सा टफ है, क्योंकि एससी का आप आती है आईएएस मास्टर की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, लेकिन उसमें सारे एक तरफ से दिए हो तो आपको पता नहीं चल पाएगा ना, और आप अगर बहुत टफ क्वेश्चन लगाने लग गए, सर सर रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने लग गए, तो आपका सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इतना भी हाई लेवल का तो आने वाला नहीं है। हम लगा इसलिए रहे हैं क्योंकि भाई मान लो एक्सपेक्टिव क्वेश्चन, मतलब अगर 80 में से 8 क्वेश्चन भी आ गए टफ है ना, और उन्हीं 8 क्वेश्चन को कुछ आपके कंप्यूटर करके ले गया, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। तो आपको कहीं भी नहीं चूकना है, आपको हर एक क्षेत्र में आपको अपना जो मादा है वो आपको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, हर क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अपन रिस्क नहीं ले सकते ना अपन, एक्चुअली अपने को हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कौन से इजी कौन से मॉडरेट है, तो उसके लिए भी इंजीनियर्स प्राइड ने अभी मेहनत कर रहा है ना, अभी एक्चुअली बुक लॉन्च नहीं हुई, कुछ दिन के बाद ही बुक लॉन्च हो जाएगी, पर अभी इतनी बुक आप परचेज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, आफ्टर कुछ दिनों के बाद जब ये बुक पब्लिश हो जाएगी तो फिर आप उसे अमेजोन से परचेज कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल आप इतनी बुक से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपके सिक्स स्टेप है, अगर इसे फॉलो करते हो आप सीरियसली, तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप बोलोगे यार भैया आप तो इतने सबको बता रहे हो, इतने सारे लोग हैं, कौन कौन, सारे लोग कर लेंगे तो कंपटीशन तो बहुत बढ़ जाएगा। नहीं करेंगे सारे दोस्त, सारे करेंगे ही नहीं, कर ले तो अच्छी बात है, करेंगे ही नहीं, देखना दो चार ही करेंगे। अभी देखना जो लोग देख रहे हैं बुक भी परचेज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, अभी करो, अभी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर आपने आज 10 मिनट लेट किया तो आपका कंप्यूटर पहले करके ले जाएगा, आप बैठे रह जाओगे, है कि नहीं? तो लेट बिल्कुल नहीं करना है, हर एक मौके का एक एक सेकंड का फायदा आपको उठाना है इस बार। ठीक है, 4 महीने का टाइम है, जिंदगी आपकी बदल जाएगी अगले साल तक, चूंकि राजस्थान स्टेट जेई की वैकेंसी है, एक साल के अंदर ज्वाइनिंग वाइनिंग सब कुछ करा देते हैं ये लोग, है ना? तो अगर आपने आज से मेहनत करी, अभी से सीरियस हो गए, अभी बुक परचेज कर ली, प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दी, एक भी दिन नहीं रुकना है आपको, आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, है ना, तो अगले साल इसी फरवरी तक ना आपके पास एक अच्छी सी जॉब होगी और आपकी लाइफ सिक्योर होगी। ओके दोस्त, तो अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के इतना से भी सीरियस हो ना, तो अभी जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारे बुक परचेज करो, अपने एक स्टडी प्लान बताओ, कोई अच्छी सी कोचिंग अगर आपने नहीं करी तो ज्वाइन कर लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, बुक लाओ, प्रैक्टिस लगाओ, बस प्रैक्टिस लगाओ। और लास्ट में एक चीज़ और, सेवेंथ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये सब करने के बाद ना जब पेपर टाइम आ जाए तो आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए किसी भी कोचिंग की एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज भी लगानी मस्ट है। ठीक है, तो ये जो 7 स्ट्रेटजी मैंने बताई ये आपको जरूर 100% आपको सक्सेस दिलाएगी। ओके, और मैंने नहीं, IIT बीचन सर ने बताया, तो बिल्कुल यार सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, बस आपको करना क्या है इन स्टेप्स को बिल्कुल फॉलो करना है, और जो चीज़ें मैंने बताई उसको फॉलो करिए। और हाँ, लेट मत करना, क्योंकि आज अगर लेट किया ना आपने तो क्या पता आपका कंप्यूटर करके ले जाएगा और आप रह जाओगे पीछे। ओके दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पता चल जाएगा, इसका मतलब ये कि देखो सूरज जो होता है ना अपनी रोशनी सब में बराबर फैलाता है, इसलिए भी आपको इस वीडियो को सभी जगह बराबर फैला देना है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए, जी जान से मेहनत करिए और इस बार जी पर लगा दो दोस्त, जान लगा दो, है ना? अपने अपनों को ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।